हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो ना तो गोदी मीडिया की होने वाली और ना ही कोई डिबेट होने वाली। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है, ना ही किसी मौलाना का बयान है, बट आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरी देखना। आज हम ऐसे मिरेकल देखेंगे, ऐसे चमत्कार देखेंगे जो कैमरे में कैद हुए हैं, तो इस टाइप के चमत्कार देखेंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल है टॉप 8 मिरेकल ऑफ अल्लाह। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। नाउ यू नो इट की वीडियो है। इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलियन से भी इनके सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो इनके चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। चलो इस वीडियो को देख लेते हैं, पहले बाद में वीडियो के बारे में बात करेंगे। खाना काबा में तवाफ के दौरान अचानक से एक बादल का यूं सूरज के सामने आ जाना कोई मामूली बात नहीं है, और सहरा में जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान भी नजर नहीं आता, वहां अचानक से लाखों की तादाद में जिंदा मछलियों का निकल आना, ये बात साइंस की समझ में भी नहीं आ रही। और दोस्तों, एक गैर मुस्लिम लड़की ने जब अल्लाह को चैलेंज किया तो अल्लाह ने उसे अपनी कुदरत का कैसा करिश्मा दिखाया, ये सब कुछ आप मेरी आज की वीडियो में जानेंगे, जिसमें मैं आपको अल्लाह की कुदरत के 8 ऐसे करिश्मे दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर गैर मुस्लिमों को भी अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की जात के होने पर यकीन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त का है जब खाना काबा में तवाफ करते हुए लोगों पर सूरज की रोशनी कहर की तरह बरस रही थी, और शदीद गर्मी की वजह से इन लोगों को तवाफ करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अल्लाह, जो कि हमारे दिलों के हाल खूब जानता है, वो भला कैसे अपने घर में आए मेहमानों पर कोई परेशानी आने दे सकता था। तो दोस्तों, ये मंजर देखकर अल्लाह की रहमत जलाल में आ गई, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे हरम शरीफ में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। दरअसल यहाँ अचानक से आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ और सूरज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सूरज से आने वाली रोशनी और तपस्या बादल अपने अंदर जज़ब करने लगता है, जिससे खाना काबा में मौजूद लोगों की सारी परेशानी हल हो जाती है, और अपने रब का ऐसा करिश्मा देखकर लोगों को अल्लाह के होने का यकीन और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है, और वो समझ जाते हैं कि हाँ, वाकई अल्लाह अपने बंदों के दिलों के हाल खूब जानता है, और अल्लाह हमारी शारख से भी ज्यादा करीब है। और ये मंजर देखने के बाद पूरे हरम शरीफ में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। नंबर 2। दोस्तों, अब मैं आपको अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर गैर मुस्लिम भी अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि साइंस भी इसे समझने से कासिर है। सहरा में जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान भी नजर नहीं आता, वहां अल्लाह का ये करिश्मा देखा गया कि अचानक जमीन में से लाखों की तादाद में जिंदा मछलियां निकलकर बाहर आ गईं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो साइंस की बोलती बंद हो गई और कोई भी इसके पीछे का राज नहीं बता सका। चूंकि ये अल्लाह का एक अनमोल करिश्मा है, इसलिए साइंस इसे कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी। तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर लिखकर अपने रब की बड़ाई बयान करना मत भूले। दोस्तों, इस वीडियो में ये ईसाई लड़की अल्लाह को चैलेंज कर रही थी, लेकिन आगे जो हुआ उसने ईसाई लड़की की आंखें खोलकर रख दी। दरअसल इस वीडियो में एक ईसाई लड़की गाड़ी में सफर करते हुए मोबाइल फोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ये लड़की खूब मौज मस्ती में थी और इसी दौरान ये खिड़की से बाहर मुंह निकालकर अल्लाह को चैलेंज करती है कि वाकई अगर अल्लाह मौजूद है तो मुझे अपनी कोई निशानी दिखाए, फिर मैं मानूंगी कि हाँ, अल्लाह मौजूद है। दोस्तों, फिर अचानक अल्लाह का करना ऐसा होता है कि आसमान पर कड़कती हुई बिजली नमूदार होती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही इस लड़की के चेहरे का रंग बदल जाता है। इसका मुंह और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और इसके होशो हवास उड़ जाते हैं। इत्तफाक से ये सारा मंजर इसी लड़की के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई गैर मुस्लिम कहे कि मैं भी अल्लाह को चैलेंज करूंगा तो अल्लाह मुझे भी अपनी कोई निशानी दिखाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह पर ये लाजिम नहीं कि वो हर किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करे, और हम मुसलमान तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा ईमान है कि इस पूरी कायनात को चलाने वाला और दोनों जहानों का मालिक, खालिक, राजिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। नंबर 4। दोस्तों, हाल ही में खाना काबा से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान हैरानों परेशान रह गए। दरअसल तवाफ के दौरान अचानक खाना काबा से तलावत की आवाज आना शुरू हो गई। इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरानों परेशान और बकायदा खौफजदा थे। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की बातें कही। कुछ ने कहा कि ये उमरा करने आए जिन्नात के काफिले की नमाज अदा करने की आवाज है, और कुछ ने कहा कि ये फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। खैर दोस्तों,
दोस्तों, इस वीडियो के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। नंबर 5, दोस्तों खराब मौसम के दौरान जब आसमानी बिजली कड़कती है तो वो एक स्पेसिफिक शेप में नजर आती है। बाज़ोकात ये बिजली आसमान पर ऐसे शानदार तरीके से रोनमा होती है जिसे देखने में ये कोई फायरवर्क्स की तरह लगती है। मगर अभी मैं आपको आसमानी बिजली के कड़कने की एक खूबसूरत वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा रिकॉर्ड हुआ है जो कि काफिरों और गैर मुस्लिमों के लिए अल्लाह की बड़ाई और मौजूदगी की एक निशानी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आसमान पर बिजली के साथ अल्लाह लिखे जाने का ये मंजर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसे देखने वाला हर कोई सुभान अल्लाह और माशाल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता है। नंबर 6, दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स बिल्ली का खाना किताब के ऊपर घुमाता है तो बिल्ली उस किताब के ऊपर चढ़ जाती है। मगर जब ये शख्स कुरान पाक रख कर ऐसा करता है तो बिल्ली कुरान के ऊपर नहीं चढ़ती। इस वीडियो से हमें सबक मिलता है कि इंसान तो अपने रब को भूल सकता है, वो गुमराह हो सकता है, मगर जानवर कभी गुमराह नहीं होता। वो अच्छे से जानता है कि इस किताब के अंदर उसका कलाम है जिसने इस कायनात की हर एक चीज को पैदा फरमाया। नंबर 7, दोस्तों सऊदी अरब में रिकॉर्ड होने वाली इस वीडियो में आप अल्लाह ताला के एक और खूबसूरत करिश्मा देख सकते हैं। दरअसल यहां आसमान पर कुछ बादल मिलकर मदीना मनवरा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे देखने के लिए लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है और हर कोई इस खूबसूरत मंजर को देखकर सुभान अल्लाह और माशाल्लाह कहना शुरू हो जाता है। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं कि रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आसमान पर ये बादल आपको कैसे लगे। नंबर 8, दोस्तों बिल्कुल इसी तरह एक और वीडियो में आसमान पर बादलों ने अल्लाह लिखा हुआ है, जो कि वाकई अल्लाह का एक शानदार करिश्मा है और ये मंजर भी सऊदी अरब में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने अल्लाह पाक के 8 करिश्मे देखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी फ्रेंड्स, और नाउ यू नो इट इनका चैनल का नाम है, तो इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज इन्होंने अमेजिंग वीडियोज बना रखी, जाके चेक कर लेना। अब बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी, तो अल्लाह को जो है बताने के लिए किसी या समझाने के लिए किसी मिरेकल की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अल्लाह के एक मिरेकल नहीं है, एक चमत्कार नहीं है, एक मौजूद नहीं, कितने मौजूद हैं। सूरज का निकलना, चांद का छुपना, दिन में से रात का निकलना, रात में दिन का निकलना, और पता नहीं कितने चीज़ें हैं अल्लाह को बताने के लिए, अल्लाह को समझाने के लिए। तो अल्लाह को दिमाग से हमने अकल से ही पहचानना है, अपने आँखों से नहीं देखा अल्लाह को, पर दिमाग से ही पहचानना है इन चीज़ों को देख के। तो यही सब चीज़ें अल्लाह के होने की दलील है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो मैं आपके लिए और लाऊं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर वीडियो पर आप रिएक्शन चाहते हैं कि मेरे को ये वीडियो चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस वीडियो पर आपको रिएक्शन चाहिए, तो मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो इतना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।